हेलो गेमर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब मस्त हो। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये वीडियो है 16 अक्टूबर को आने वाले पेलोड मोड के न्यू वेपन्स के बारे में। आपको ऐसे बहुत सारे वेपन्स खेलने के लिए मिलने वाले हैं जो आपको वेपन इन्वेंटरी में भी नहीं दिखेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए उन सारे वेपन्स को इस वीडियो में कवर कर दिया जाए, जिससे आप खुद ही ये डिसाइड कर सको कि कौन सा वेपन आपके किस काम आने वाला है और उन सब में से आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। वैसे चाहे इतने सारे वेपन्स नए पेलोड मोड में आ रहे हो, पर फिर भी पुराने वेपन्स आपको इस मोड में यूज करने के लिए जरूर मिलेंगे। बस फर्क इतना पड़ेगा कि पुराने वेपन्स की स्पॉन डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। मगर एक बात ये भी है कि ऐसे भी तो कुछ हथियार हैं जो सिर्फ ड्रॉप में ही मिलते हैं, और इस मोड में ना तो फ्लेयर गन मिलने वाली है और ना ही कोई नॉर्मल ड्रॉप। तो इस मोड में आपको जगह जगह सुपर वेपन क्रेट्स मिल जाएंगी, जिनमें आप AWM रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर या फिर एयर स्ट्राइक बीकन जैसे कमाल के वेपन्स ले सकते हो। अब ये जो एयर स्ट्राइक बीकन है, ये एक दूरबीन की तरह दिखता है। लोअर राइट साइड थ्रोएबल्स इन्वेंट्री, जहां से आप नेड्स, मॉली या स्मोक ग्रेनेड सेलेक्ट करते हो, वहीं से इसे भी यूज कर पाओगे। गाइस, ये इतना अमेजिंग वेपन है जो एक्चुअली वेपन जैसा दिखता भी नहीं है। जिधर भी आप इसे टारगेट करके फायर प्रेस करोगे, वहां थोड़ी ही देर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाएगी। आप जहां चाहो इससे अपनी प्राइवेट रेड जोन बना सकते हो। सारे कैंपर्स को आग से जलाने का बेहतरीन तरीका है ये। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये दूरबीन जैसी दिखने वाली चीज का करना क्या है, पर आप तो अब जान गए हो। बस अब इससे तबाही मचा देना। ये अगली चीज एक वेपन नहीं है, पर उससे भी कमाल का एक फीचर है, आईडी कार्ड। अब जो भी टीममेट मरे, 2 मिनट के अंदर अंदर उसका आईडी कार्ड कलेक्ट करके मैप पर जो ब्लू मार्कर्स बने हुए हैं उन पर पहुंच जाना। वो सब एयरटेल जियो जैसे दिखने वाले टावर एक्चुअली टीममेट रिकॉलिंग टावर है। अब आपके एक फोन कॉल पर आपका टीममेट दोबारा से गेम में उसी टावर के बराबर में आकर गिरेगा। अगर एक्स्ट्रा वेपन्स ना हो आपके पास, तो कम से कम एक सिकल या क्रोबार जरूर रख लेना उस बेचारे के लिए, क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं होगा। वैसे एक बात तो पक्की है, सब लोग खुद ही अपना टीममेट मार मार के देखने वाले हैं कि ये आखिर वापस कैसे आता है। बस आप इस बात से सावधान रहना कि आपका स्क्वाड आप ही को बलि का बकरा ना बना दे। तो ये है सॉर्ट ऑफ ग्रेनेड लॉन्चर, और ये एक पिस्टल है जो ग्रेनेड छोड़ती है। इससे भाई यार वेपन मैंने आज तक किसी गेम में नहीं देखा। इसे यूज करने से अच्छा है आप एनिमी को मुक्के से मार देना, क्योंकि आपके हाथ में ये पिस्टल देखकर वो भी यही करने वाला है। M134 एक मशीन गन है जिसकी मैग कैपेसिटी 200 है, पर सुपर वेपन क्रेट में से मिलने वाले एक्सटेंडेड मैग से आप इसे 200 से 300 भी कर पाओगे। ये गन बहुत अमेजिंग है गाइस, बस एक दिक्कत है, वो ये कि आपको बहुत स्लो कर देगी। इसे इक्विप करके ठीक से चल भी नहीं पाओगे, मगर एक बार चलना शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेती। इससे मैंने हेलीकॉप्टर में बैठकर फरार होने की कोशिश करते एनिमी को बड़ी आसानी से मार गिराया। M79 ग्रेनेड लॉन्चर, ये एक राइफल है। ये भी बिल्कुल सॉर्ट ऑफ ग्रेनेड लॉन्चर के जैसा है, बस इसका डैमेज थोड़ा ज्यादा है। ये आपको रीलोड करने में ही थका देगी। RPG 7 पबजी मोबाइल लाइट में भी आ चुका है, तो आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे। पेलोड मोड में 2 रॉकेट लॉन्चर्स हैं और RPG 7 एक अनगाइडेड लॉन्चर है, यानी कि ऐसा वेपन जो खुद टारगेट को हिट नहीं कर सकता, इसको अंदाजे से चलाना पड़ता है। गाइस, जिस तरफ भी चलाओगे टारगेट से नीचे ही जाके गिरेगा, इसलिए आपके लिए एक टिप है कि टारगेट से थोड़ा सा ऊपर एम करके रखना, तब शायद ये टारगेट को हिट कर जाए। अब ये है MGL, ये हथियार तो कमाल है, ग्रेनेड्स की तो बारिश कर देता है। इसके रेडियस में जो भी आ गया वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इतनी जल्दी ग्रेनेड्स छोड़ता है कि कंट्रोल करने भी मुश्किल हो जाते हैं। ये तो ग्रेनेड लॉन्चर्स की ग्रोजा है, बस इसे ज्यादा एक्साइटेड होकर मत चला देना, वरना एक प्लेयर तो एनिमी का नॉक करोगे और साथ में दो अपने भी ले डूबोगे।
तो ये है गाइस M3E1। ये इस मोड का दूसरा रॉकेट लॉन्चर है। जैसे RPG-7 अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर है, M3E1 एक गाइडेड रॉकेट लॉन्चर है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी इसके जैसा एक वेपन है FHJ-18। बस इनमें डिफरेंस ये है कि FHJ-18 सिर्फ व्हीकल पर ही फायर हो सकता है और M3E1 कहीं भी फायर किया जा सकता है। M3E1 को स्कोपिंग करके बस टारगेट की तरफ घुमा दो, ये थोड़ी सी देर में उस पर लॉक हो जाएगा। और एक बार टारगेट पर लॉक हो गया तो बस आपके फायर करने की देर है। चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे BRDM2 जैसी आर्मर्ड गाड़ी, ये ही नहीं रुकने वाला। तो गाइस इतना रहम कर दिया है PUBG ने कि इसका डैमेज इतना नहीं है कि ये एक ही बार में सब तबाह कर दे। कम से कम दो बार इसे चलाने के बाद हेलीकॉप्टर नीचे गिरेगा, वरना तो पेलोड मोड के आते ही सारे नूब्स हाथों में यही लिए घूमते और हो सकता है #noobskillingprosinPUBG के मीम चलने शुरू हो जाते। तो भाई कौन सा वेपन आपको सबसे अमेजिंग लगा हमें फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम मिलते हैं आप सबसे हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय गेमर्स।